गृह व संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भारत वसुदेव कुटुंब का अग्रदूत रहा है, भारत कभी भी नफरत फैलाने वालों में से नहीं रहा। नरोत्तम ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती है, दिग्विजय सिंह को तो मौन व्रत धारण कर लेना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के आरोपों के जवाब में साफ कहा कि हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं, चाहे स्थगन की हो या 139 के अंतर्गत हो। कांग्रेस द्वारा किए जाने वाले प्रदर्शनों का सबको पता है, लोग आते ही नहीं है। अभी 50 लोगों की अनुमति है और आप देख लेना कि कांग्रेस में 50 भी नहीं आएंगे। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह के ट्वीट पीड़ादायी होते हैं, मेरी विनम्र सलाह है कि उन्हें मौन व्रत धारण कर लेना चाहिए। भारत वसुधैव कुटुंब का अग्रदूत रहा है, भारत कभी भी नफरत फैलाने वालों में से नहीं रहा, कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। मिश्रा ने कहा कि राहत शिविरों में राहत सामग्री पहुंच रही है, मीडिया स्वयं जाकर देख सकती है, किसी भी दल की बात मानने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कमलनाथ जी विधानसभा सत्र में सारगर्भित चर्चा करें, उनकी विधायक दल की बैठक में तो उन्हीं के दल के विधायक नहीं आते हैं। कांग्रेस का हर विषय राजनीति से प्रेरित होता है, सेवा से प्रेरित नहीं। कांग्रेसी हर अच्छी बात में भी कमियां ढूंढ लेते हैं। कोरोना पर चर्चा करते हुए मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में प्रतिदिन 70,000 से अधिक कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं, यही कारण है कि महाराष्ट्र और केरल में लगातार केस बढ़ रहे हैं और उसके बाद भी मध्य प्रदेश में हम कोरोना पर लगाम लगाने में सफल रहे हैं। विगत 24 घंटे में मात्र 10 केस नए आए हैं, जबकि 12 लोग स्वस्थ हैं। वर्तमान में प्रदेश में 161 पॉजिटिव केस हैं। ग्वालियर शिवपुरी के मध्य बंद रेल यातायात पर मिश्रा ने कहा कि जल्द ही ग्वालियर शिवपुरी के मध्य रेल यातायात को आरंभ करने के लिए आज ट्रायल किया जाएगा। देखो मित्र, कांग्रेस कभी भी किसी अच्छी बात की तारीफ करती हुई नहीं मिलेगी, वो अच्छी बात में भी कमियां ढूंढ ही लेते हैं और इसलिए वो विषय वो हमेशा उठाती है जो राजनीति से प्रेरित हो, सेवा से प्रेरित कोई विषय कभी नहीं उठाते। वो स्थगन से आए, 139 से आए, जिस चर्चा से आए बाढ़ पे, हम हर विषय पे चर्चा करेंगे, स्वागत है। ये पीड़ादायी ट्वीट होते हैं उनके, देखो यार आहत हो जाता है। क्या भारतीय नफरत करते हैं लोगों से? इस विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत अगर किसी ने दिया तो भारत ने दिया। सर हमारी संस्कृति जिसने वो गीत है ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा दुनिया को भारत ने पहले सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो फिर चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी थी जहां तक कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। उस भारत को आप कह रहे हो कि हम नफरत करते हैं? दिग्विजय सिंह जी कृपा करो, कुछ दिन के लिए आप इस चीजों से दूर हो जाओ तो नफरत अपने आप समाप्त हो जाएगी। मूल रूप से तो आप मौन व्रत ले लो, मेरी प्रार्थना है आपको। जिस तरह के आप ट्वीट कर रहे हो ना, ये ट्वीट अच्छे नहीं है कि भारतीय नफरत न फैलाए। भारत ने कभी नफरत नहीं फैलाई, भारत ने प्रेम का संदेश दिया है, भारत ने सद्भावनाओं का संदेश दिया है, आपके इन ट्वीटों से नफरत फैलती है। कोरोना के क्षेत्र में आज 10 नए मामले पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं और 12 लोग ठीक होकर अपने अपने गंतव्यों की ओर गए। 161 लोग अभी पूरे प्रदेश में एक्टिव केस में हैं। 0.013% अब संक्रमण दर प्रदेश के अंदर है। 98.66 रिकवरी रेट है। 73,000 सैंपल कल कोरोना के पूरे मध्य प्रदेश में लिए। हम 70,000 से कम सैंपल नहीं होने दे रहे। यही कारण है कि केरल और महाराष्ट्र में केस बढ़ने के बावजूद भी हम मध्य प्रदेश में कोरोना की लगाम को थामे हुए ताकत के साथ।
जहां तक वारिस का प्रश्न है तो कल वारिस प्रदेश के अन्य अन्य क्षेत्रों में आंशिक रही है, इसलिए राहत रही है। सामान्य स्थिति कल बारिश की थी। आज ग्वालियर शिवपुरी रेल मार्ग जो बंद था उस पर ट्रायल रेल चलाई जाएगी जिससे कि उस मार्ग को खोला जा सके। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।